आज हम बनाने जा रहे हैं ओड़दिया। तो ओड़दिया कैसे बनाते हैं वो हम आपको आज बताएंगे। तो आइए, ये उड़द की दाल का आटा है। तो आगे की प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे। सबसे पहले तो दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर ज़्यादा हो गया तो जो हम कनी कनी जो बनाते हैं वो कनी नहीं होएगी। दो हाथ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये काजू बादाम है, ये गूंद है, ये घी है, और ये जो आप आटा देख रहे हैं उसके अंदर हमने दूध डाल के मिक्स कर दिया है। और ये है मावा के पेड़े। अगर मावा हो तो मावा भी हम डाल सकते हैं, अगर मावा ना हो तो हम इसके पेड़े भी डाल सकते हैं। देखिए, घी डालेंगे, अगर कम लगे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं हम। देखिए, घी गर्म हो चुका है और आटे को डाल लीजिए। इसको कम करेंगे। इसको हम ऐसे ही कम से कम 20 मिनट तक आटे को सेकेंगे। इसको नॉर्मल गैस पे सेकेंगे और खास ध्यान रखना है कि हिलाते ही रहना है, नहीं तो नीचे जल जाएगा। ये कटोरी भर के चीनी है, उसकी हम चाशनी बनाएंगे। देखिए, और पानी थोड़ा सा डालेंगे सुबह सुबह। देखिए, वो जो मावा के पेड़े मैंने आपको दिखाए थे उसको हम ऐसे छील लेंगे। देखिए, अब इसके अंदर हम गूंद डाल लेंगे। देखिए, इसके अंदर गूंद डाल दिया है हमने और कैसे इसके अंदर फूल जाएंगे। देखिए, चाशनी हमारी बन चुकी है। एक तार की बनाने की है। अब इसको गैस को बंद कर देंगे अड़दिया के। और नीचे उतार देंगे ठंडा करने के लिए। देखिए, अब हम काजू बादाम डाल देंगे। देखिए, ये मावा जो है वो हम डाल देंगे अंदर। देखिए, थोड़ा सा गरम कर देंगे चाशनी को। देखिए, अब चाशनी को इसके अंदर डालेंगे।
थोड़ी देर हम हिलाएंगे। देखिए ये जो मसाला है वो बाहर रेडीमेड मिलता है, उसके अंदर सूंठ सब मसाले होते हैं इसके अंदर, तो वो हम थोड़ा सा डाल देंगे। देखिए ये हमारा गड़दिया का लचका रेडी हो चुका है। हमारे गुजरातियों में ये खास करके शादियों में मिठाई बनाते हैं, गर्मा गर्म परोसा जाता है अड़दिया का लचका। ये भी एक रेसिपी है, हम गर्मा गर्म भी खा सकते हैं। अब हम इसको बड़ी सी थाली में निकाल के रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब हम इसको थाली में निकालेंगे। देखिए ऐसे हम गोल गोल करके थोड़ा लंबा करके इसे हम अड़दिया का शेप देंगे और इसके ऊपर काजू रख देंगे। देखिए हमारे अड़दिये रेडी हो चुके हैं। आप भी अपने घर पे बनाइए और आपका अनुभव मेरे चैनल पे लिखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।